बहुत एक गंभीर प्रश्न है जिसका उत्तर जो है वो हर कोई नहीं दे पाता। वो तो प्रश्न ये है कि रत्नों को अभिमंत्रित एनर्जाइज कैसे किया जाता है। इसकी दो पद्धतियां हैं, एक यौगिक पद्धति है और दूसरी जो है मांत्रिक पद्धति है। जो यौगिक पद्धति है उसके अनुसार जिस ग्रह का रत्न होता है उस ग्रह की किरणों को जो व्यक्ति एनर्जाइज कर रहा होता है वो अपने यहाँ पे ऐसा तो ध्यान योग में जाता है, ध्यान योग में जाके ऐसा एहसास करता है कि वो किरणें उसकी बॉडी में यहाँ से अंदर एंटर कर रही हैं और यहाँ से ये जो छाती में यहाँ पे वी बना होता है यहाँ से निकल के उस रत्न के ऊपर पड़ रही है और उससे उसका ऑरा बड़ा हो रहा है, उसकी शक्ति बड़ी हो रही है। अगर मान लीजिए हम बुध के रत्न की जो है अभिमंत्र जो है शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ध्यान में जाएंगे, बुध रत्न बुध ग्रह के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और ऐसा एहसास करेंगे कि उसकी जो किरणें हैं वो हमारे सिर से होती हुई हमारे इस स्थान पे आके यहाँ से वो किरणें जो है उस रत्न के ऊपर जा रही हैं और वो रत्न की जो है शक्ति बढ़ती चली जा रही है, उसका ऑरा जो है स्ट्रेंथन होता जा रहा है। रेगुलर मेडिटेशन से, रेगुलर ध्यान से ये सब शक्तियाँ जो हैं बहुत बढ़ जाती हैं और इससे जो है जो रत्न है उसकी जो प्रभाव करने की शक्ति है, जो इफेक्ट करने की शक्ति है वो बढ़ जाती है। ये तो यौगिक प्रक्रिया है, इसको करना सुनने में चाहे सरल लग रहा हो इतना सरल नहीं है। दूसरी जो प्रक्रिया है वो मांत्रिक प्रक्रिया है, मंत्रों द्वारा जो रत्न है उसकी शक्ति को बढ़ाया जाता है। उसका जो प्रोसीजर है वो क्या है कि हर ग्रह का एक मंत्र है, वो जो मंत्र है वो बेसिकली वाइब्रेशंस को क्रिएट करता है। इसलिए मैं हमेशा समझाता हूँ कि जब भी आप कोई मंत्र करें तो वो मंत्र इस तरह से होना चाहिए कि कम से कम आपको खुद को सुनाई दे, तो आपको जो है वो उस ग्रह का मंत्र रेगुलरली चांट करना चाहिए 108 बार। ऐसा करने से वो ग्रह जो है उसकी जो किरणें हैं उसकी जो वाइब्रेशन है वो ऑटोमेटिकली आपके रत्न को एनर्जाइज कर देंगे। ये मांत्रिक तरीका है, इसका इफेक्ट जो है यौगिक तरीके से कुछ कम होता है, परंतु ये सरल प्रक्रिया है इसलिए इसको कोई भी कर सकता है।